तो अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है, बट उससे पहले आप सभी को प्ले स्टोर से कोई सा भी वीपीएन ऐप को डाउनलोड करें और वीपीएन के साथ कनेक्ट करें। उसके बाद आप कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करें और ये कैपकट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फोटोज़ पे आना है और यहाँ पर आप अपना 21 इमेजेस को यहाँ पर चूज़ करें। तो जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, इमेज को आप जस्ट क्लिक करते हैं तो वो इमेज सिलेक्ट हो जाता है। इस तरह आप देख पा रहे हो, इमेज को मैं जस्ट टच किया, वो इमेज सिलेक्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पर अपना जितना सारा इमेजेस है उनमें से 21 इमेजेस को चूज़ करना है। तो यहाँ पर 3 हो चुका, ये 4, 5, तो इस तरह ये 6, 7, 8, 9, तो इस तरह आप 21 इमेजेस को चूज़ कर लें। मैं चूज़ करके आप सभी को उसके बाद दिखाता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर मैं 21 इमेजेस को चूज़ कर चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर स्लाइड करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करके 9:16 रेशियो को चूज़ करें, इमेज पे क्लिक करें जो आपका पहला इमेज है, देन 2 फिंगर से जूम करें। उस तरह गाइज आपको इमेज पे क्लिक करना है, 2 फिंगर से जूम करना है। तो यहाँ पर आपका जितना सारा इमेजेस है आप अपना हर इमेजेस को इस तरह जूम कर लें, 2 फिंगर पे, 2 फिंगर से इस तरह जूम कर लें, इमेज पे क्लिक करना है और 2 फिंगर से अपना इमेज को फिट करना है या जूम करना है। तो मैं सारा इमेज को कर देता हूँ, फिर मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर मैं सारा फोटो को इस तरह फिट कर चुका हूँ। अब आपको एंड पे एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो पे क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब गाइज़, आपको यहाँ पर ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पे जाना है और आपको एक ऑडियो मिलेगा, एक वीडियो मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके इम्पोर्ट साउंड ऑनली पे क्लिक करें। अब उस ऑडियो पे क्लिक करें और मैच कट पर आना है, वॉल्यूम अप करना है आपको और यहाँ पर आपको 20 बीट्स देखने को मिलेगा। तो आपको 20 बीट्स को सुन सुन के मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पहले जूम कर लेता हूँ, तो देख पा रही हूँ यहीं पर एक बीट है, तो ऐड बीट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक बीट है, उसके बाद यहाँ एक बीट है, ऐड बीट, और इसके बाद यहाँ एक बीट है, अब यहाँ पर है, अब देख पा रही हो। तो अब प्ले करके मैं दिखाता हूँ क्या वो बीट सब सही जगह पे मैं मार्क किया हूँ या नहीं। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये सही से मार्क हो चुका है। अब यहाँ पर एक ऐड बीट करना है और यहाँ पर एक बीट है, तो यहाँ पर मैं ऐड बीट कर लेता हूँ। अब देखता हूँ मैं स्टार्टिंग से। अब गाइज, यहाँ पर फिर से आपको ऐड बीट और यहाँ पर एक ऐड बीट करना है और यहाँ पर एक ऐड बीट करना है और यहाँ पर एक बार ऐड बीट करना है, फिर यहाँ पर प्ले करके देखना है। अब यहाँ पर एक ऐड बीट, अब फिर से देख रहा हूँ मैं, तो सही है, इधर का सही हो चुका है। अब इधर देखता हूँ मैं, तो यहाँ पर एक ऐड बीट करना है और यहाँ पर एक ऐड बीट करना है और यहाँ पर, अब देखना है, अब यहाँ पर एक ऐड बीट, अब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। यहाँ पर गाइज आपको उसके बाद बीट को ऐड करने के बाद गिन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब मैं देखा सही है 20 बीट्स है, बट गिनने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको प्ले करके देखना क्या वो बीट सब सही जगह पे ऐड हुआ है या नहीं। तो देख पा रहे हो सही है, परफेक्ट है। अब राइट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपका पहला वीडियो है उसका ड्यूरेशन को इस तरह कम करके पहला डॉट तक कर देना है, देन नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करके उसका भी ड्यूरेशन को नेक्स्ट डॉट तक कर देना है इस तरह। तो यहाँ पर मैं सही से इसको नेक्स्ट डॉट तक कर देता हूँ इस तरह। इस पर इमेज पर क्लिक करना है और उसका लेयर को इस तरह स्लाइड करके ड्रैग करके छोटा करना है। तो उसके बाद मैं ये फ़ोटो को भी कर लेता हूँ सही से। अब ये वाला फ़ोटो को भी इस तरह आपको करना है छोटा,
तो सही से आप ठीक बिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोटोशॉप कुछ उसका ड्यूरेशन को कम कर दें। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये भी सही बिट पे लगा है। अब ये वाला फ़ोटो को भी मैं इस डॉट तक पहुँचा देता हूँ, मतलब एक डॉट से एक डॉट तक एक फ़ोटो रहे, जैसे कि यहाँ से इस डॉट तक ये वाला फ़ोटो। अब यहाँ पर उसके बाद ये वाला फ़ोटो का ड्यूरेशन ज़्यादा है तो इससे मैं इस जगह पर सही से रख लेता हूँ। तो इस तरह गाइज आपको हर फोटो को कर लेना है सेट, तो मैं सेट करके आप सभी को दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइज, यहाँ पर मैं ठीक मतलब बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोटोशॉप को ठीक जो बीट मैं किया हूँ उसके अकॉर्डिंग फोटोशॉप के ड्यूरेशन को कर चुका हूँ, आपको भी कर लेना है। उसके बाद हर जो पहला फोटो उस पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर जाना है और यहाँ पर VPN को जरूर कनेक्ट करें वरना इस तरह मतलब देखने को मिलता है। तो मैं VPN के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं VPN के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। अब मैं एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कॉम्बो देखने को मिलता है, तो आप कॉम्बो पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लाइड करने से देखने को मिलेगा पेंडुलम वन। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप हर फोटो पे पेंडुलम वन को चूज़ कर सकते हैं वरना आप इस तरह कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप पेंडुलम वन चूज़ किए, अब नेक्स्ट फोटो पर आपको फिर से पेंडुलम वन चूज़ किए, फिर से नेक्स्ट फोटो पर पेंडुलम वन चूज़ किए, फिर से नेक्स्ट फोटो पर पेंडुलम वन चूज़ किए, वरना आप पहला फोटो पर पेंडुलम वन, सेकेंड फोटो पर पेंडुलम टू, पहला फोटो पे पेंडुलम, उसके बाद वाला फोटो पे पेंडुलम वन, फिर नेक्स्ट वाला टू। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो आप उसका प्रीव्यू देख चुके हैं कुछ इस तरह है ना। और अगर आप वन वाला करते हैं तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आप हर फोटो पे पेंडुलम वन लगा सकते हैं या वन टू करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो इस पे मैं टू लगाया, तो मैं हर फोटो पर वन टू करके करता हूँ। आप अपना मुताबिक कर सकते हैं, जो आपको पसंद लगे आप दोनों को बना सकते हैं, किसी पे टू भी बना सकते हैं, वन टू करके भी बना सकते हैं, या आप वन वन करके भी लगा सकते हैं, या आप टू टू भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं जो आप टू टू नहीं लगा सकते हैं, टू टू भी लगा सकते हैं। हर फोटो पे टू टू, या हर फोटो पे वन वन, या हर फोटो पे मतलब एक फ़ोटो पे वन, एक फ़ोटो पे टू, एक फ़ोटो पे वन, एक फ़ोटो पे टू, तो इस तरह। तो मैं सही से वन टू करके लगा लेता हूँ, फिर मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैं वन टू करके फ़ोटो पे इफेक्ट्स लगा चुका हूँ, जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। अब 720 पिक्सल पे क्लिक करके, 1080 पिक्सल पे क्लिक करके अपलोड को ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, या आपके गैलरी पे सेव हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि आपके यहाँ पर वीडियो बन के रेडी है।